किसी भी चीज़ के बारे में बात करें तो वहाँ पर इंडिया दूसरी कंट्रीज़ के निस्बत दूसरी कंट्रीज़ को बीट करते हुए नजर आ रहा है। इकोनॉमी के लिहाज से बात करें तो यूके को बीट करके वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। हर एक सेक्टर के अंदर इंडिया डे बाय डे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। क्या वजूहत है और आने वाले फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान को कितना सिक्योर होने की ज़रूरत है इंडिया के साथ? इंडिया जिस तरह से ग्रो कर रहा है, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को सिक्योर होने की ज़रूरत है, अपने डिफेंस को इंडिया के बराबर लाने की ज़रूरत है? 5G इंडिया में आ गया, हर चीज़ इंडिया डे बाय डे ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान को कितना सिक्योर होने की ज़रूरत है? इसी टॉपिक के बारे में बात करने पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा और पाकिस्तानी पब्लिक इस बारे में अपनी क्या राय देते हैं, आइए मिलकर जानते हैं। जी तो गाइस हमारे साथ एक भाई मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। नाम आपका? उस्मान। करते क्या? मैं जी पंजाब यूनिवर्सिटी से BS ऑनर किया मैंने। माशाल्लाह वेरी नाइस यार। एक और बड़ी खबर आई है, सनसनाहट जिसने तारीख कर दिया दुनिया के मीडिया के अंदर, इंडिया ने बीट कर दिया है स्टॉक मार्केटिंग में चाइना को। चाइना को 10 ट्रिलियन डॉलर्स रुपए का कम बैक किया, लॉस कर दिया चाइना को, इंडिया ओवरकम कर गया चाइना के ऊपर। क्या समझते हैं आपकी कितनी बड़ी सक्सेस है इंडिया के लिए? सर मैं समझता हूँ कि ये इंडिया का एक प्लस पॉइंट है, और बिकॉज आप देखें इंडियंस जो हैं वो IT में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और इवन के पाकिस्तानियों को भी बीट कर रहे हैं। और सेकेंडली USA का इंडिया की तरफ रुझान होना, ये बेसिकली चाइना को लेट डाउन करने वाली बात है, क्योंकि चाइना आपको पता है कि एक इमर्जिंग कंट्री है और USA जो है वो एक मतलब ऑलरेडी पावर में है और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। तो चाइना को लेट डाउन करने के लिए इंडिया को इस तरह बूस्ट करना और इंडिया की जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है उसका इस तरह ऊपर जाना, मैं समझता हूँ कि ये एक मतलब इंडिया के लिए प्लस पॉइंट है और वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इसके लिए। आप क्या समझते हो कि जो अमेरिका हेल्प कर रहा है इंडिया की, इसके अंदर आपको नहीं लगता कि इंडिया की अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं? जी बिल्कुल, मैंने पहले बात की है कि जिस तरह इंडिया IT में बहुत ज़्यादा ऊपर है, और अगर देखें एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया में जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इंडियंस की अपनी स्ट्रगल इसमें ज़रूर इंक्लूड है। जी सही, जैसा कि आप देख रहे हैं कि डे बाय डे कोई नई खबर सुनने को मिल जाती है हर चीज़ के अंदर। अभी इंडिया बीट कर रहा है चाइना को, चाइना और इंडिया के आपस में नहीं बनती, जैसे कि आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड का फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इंडिया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डे बाय डे इंडिया की हर रोज़ कोई नई अचीवमेंट, कोई हर चीज़ के अंदर 5G लॉन्च हो गया इंडिया के अंदर। 5G लॉन्च होने के बाद नरेंद्र मोदी ने इंडिया के अंदर दिल्ली के अंदर बैठकर स्वीडन के अंदर गाड़ी चला रहे हैं, चला दिल्ली के अंदर रहे लेकिन वो गाड़ी चल स्वीडन के अंदर रही है। इस किस्म का एलिवेशन वो दिखा रहे हैं कि इंडिया इतना डेवलप हो गया, इंडिया आप दुनिया पर रिलायबल नहीं कर रहा, दुनिया इंडिया पर रिलायबल करेगी। इसको आप कैसे देखते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर अगर हम खुद को डेवलप ना कर पाए तो पाकिस्तान के लिए कितना नुकसान हो सकता है इंडिया अगर एक स्ट्रॉन्ग पावर बन जाता तो? सर मैं समझता हूँ कि इंडिया बेशक जितना भी IT में आगे चला जाए वो पाकिस्तान को कभी भी बीट नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि चाइना ने जो आपको वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का पता होगा, या BRI जिसको बेल्ट रोड इनिशिएटिव भी कहते हैं, जिसकी वजह से जो चाइना है वो पाकिस्तान के थ्रू जो गवादर है, गवादर इज़ जस्ट मतलब एक उसका एक प्रोजेक्ट है वन बेल्ट वन रोड का, ये पूरे यूरोप को कवर करेगा और इसमें ट्रेड करेगा। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, इट्स वेरी ब्राइट, मतलब इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है हमारा। पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट नज़र आ रहा है। पाकिस्तान अभी कोलैप करने के इकोनॉमिकल कोलैप पे जा रहा है, आप देखेंगे पाकिस्तान के जो रिजर्व डॉलर बचे थे वो भी अब माइनस में जाने शुरू हो गए, जो कि एक रिजर्व आपको पता होना चाहिए कि एक रिजर्व जब तक आपके डॉलर्स आपके फॉरेन अकाउंट्स के अंदर होते हैं तो आपकी मुल्क की GDP आपकी मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन पाकिस्तान के पास वो रिजर्व नहीं पड़े हुए। पाकिस्तान के डॉलर आप देख रहे हैं इस टाइम 250 पर जा रहा है, तो आप इस सब को देखते हुए कैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? सर देखें ओवरऑल जो दुनिया के इंटरनेशनली भी, जी सर अगर आप देखें ओवरऑल इंटरनेशनली एक मार्केट जो है ना वो सैचुरेशन की तरफ जा रही है, क्योंकि देखें 2019 में जो COVID-19 आया उसकी वजह से पूरी जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर गई हर कंट्री की। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप ले सकते हैं श्रीलंका कोलैप्स किया और उसके बाद हमारे पाकिस्तान में फ्लड आ गया, तो इसकी वजह से मार्केट का मतलब इस तरह ऊपर जाना तो ये एक नॉर्मल बात है। किसी भी इकोनॉमी में अगर क्राइसिस आएगा तो इकोनॉमी डाउन जाएगी। जी आपको नहीं लग रहा कि अगर हमारे हालात इस तरह रहे, डॉलर ऊपर जाता रहा तो इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है? इकोनॉमी कोलैप्स होने के बाद अगर हम कह देते हैं कि भाई हम बैंक करप्ट हो गए, तो आपको नहीं लगता कि हमारे असासे सारे जितने भी हैं, जितने जिसकी वजह से हम स्ट्रॉन्ग पावर हो रहे हैं, हमारे जो चाइना ने आपने कहा पहले बात की वन बेल्ट वन रोड के ऊपर चाइना जो CPEC बना रहा है, अगर हम चाइना से भी हमने बहुत ज़्यादा कर्जे लिए हुए, चाइना ने इन्वेस्टमेंट की हुई पाकिस्तान पर, अगर हम कोलैप्स होते हैं तो चाइना हमारे किसी भी न किसी बंदरगाह किसी न किसी चीज़ों के ऊपर कब्जा कर सकता है? ये आपको साजिश नहीं लग रही कहीं ना कहीं से? नहीं सर, मैं समझता हूँ कि चाइना हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और चाइना के साथ कोलैब करना इसी के थ्रू हमारी जो इकोनॉमी है ना वो बूस्ट हो सकती है। मैं आपको कुछ बात समझाना चाह रहा हूँ, मेरी बात आपको शायद समझ नहीं आ रही। मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये वन बेल्ट वन रोड चल रहा है,
अगर हम इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाते हैं, हम बैंक करप्ट होने का ऐलान कर देते हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो मेरे मुंह में खाक, अगर हम हमारी गवर्नमेंट ऐलान कर देती है, हमारी फौज ऐलान कर देती है कि हम बैंक करप्ट हो गए, अब हमारे पास फॉरन कोई एहसास नहीं पड़ा हुआ, ना पैसे पड़े हुए, ना हम बैंक करप्ट हो गए, तो हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको भी, उनका भी ऊपर भी दूसरे कब्जा, पाकिस्तान के जिन जिन मुल्कों को पाकिस्तान ने कर्जा देना है उन, वो मुल्क पाकिस्तान को एज अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, जिस तरह से हमने जो अड्डे दिए थे लास्ट टाइम अमेरिका को। क्या समझते हो आप, अगर ये हुआ तो पाकिस्तान तो किसी भी हिस्से में नहीं आ रहा। सर मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारा आप कह रहे हैं ना कि मुल्क जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, मैंने ये नहीं कह रहा कोलैप्स कर जाएगी, मैं कह रहा हूँ इन फ्यूचर अगर ऐसा होता है तो इसको आपके सब्सक्राइबर को बताना चाहता हूँ कि वो पहले ये हालात जरूर थे फ्लड की वजह से या COVID-19 की वजह से, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आपको पता है कि पहले हमारी कंट्री जो है वो पॉलिटिकल अनरेस्ट में थी, कोई भी पार्टी पावर में आती थी और चली जाती थी, ठीक है। तो जिस तरह ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी हमारी कंट्री में तो इंशाल्लाह हम भलाई की तरफ ही जाएंगे। बीट किया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? मेरी नज़र में इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है इस वक्त बिजनेस फील्ड में भी, एक्चुअली हेल्थ फील्ड में भी, और उनके पास एक सबसे बड़ा एज है उनकी जो पॉपुलेशन है और वो स्पेंडिंग पावर रखते हैं, इसलिए तो दे वर एबल टू बीट द चाइना। बिल्कुल सही। इंडिया के बारे में जैसे जैसे न्यूज़ आ रही है, पाकिस्तान ने ये क्लेम किया था कि 5G हम इंडिया से पहले लॉन्च करेंगे, हमारे PTA ने ऑफिशियली तौर पर अपने वेबसाइट के अंदर ये क्लेम किया था कि हम इंडिया को बीट करेंगे 5G के ऊपर, नहीं कर पाया, इंडिया ने अभी 5G ऑफिशियली लॉन्च कर दिया। क्या कहना चाहेंगे कि कितना बड़ा कट मारा पाकिस्तान को? बहुत बड़ा कट है, उनके लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, उनके लिए काफ़ी खुशाइन बात है, क्योंकि मैं एक UK बेस्ड कंपनी में काम कर रहा हूँ और वो हमारे काफ़ी ऐसे बिजनेसेस हैं जो इंटरनेट के थ्रू चल रहे हैं, तो हमें 5G की ज़रूरत है, तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया के लिए और एक मैं कहूँगा एक उनकी हमसे ज़्यादा आगे सोचने की कुव्वत है जो वो यहाँ तक पहुँच गए। जैसे कि स्टॉक मार्केटिंग पे हम दोबारा आते हैं, स्टॉक मार्केटिंग पे इंडिया का +10 पे जा रहा और चाइना का -23 पे जा रहा है, माइनस पे हो गया। अभी इंडिया जो क्या है वो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया UK को बीट करने के बाद, चाइना अभी दूसरे नंबर पर ही है। क्या नज़र आ रहा है आपको, अगर इसी तरह ग्रो करता रहा इंडिया को कहाँ देखते हैं आप स्टॉक मार्केटिंग में, उसके बाद इकोनॉमी के तौर पर कहाँ देखते हैं आप? एज़ पर देयर परफॉर्मेंस जिस तरह लेकर चल रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी इंडिया काफ़ी एक्सेप्टेड है, तो मेरा ख्याल है इंडिया बहुत आगे जाने वाला। पाकिस्तान क्लेम करता है कि हम इंडिया को बीट कर देंगे हर एक सेक्टर के ऊपर, क्या पॉसिबल है इन सब सिचुएशन को देखने के बाद? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इकोनॉमी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे लास्ट ईयर में काफ़ी फ्लक्चुएशन रही हैं और इस तक भी चल रही हैं, तो मुझे लगता है हमें टाइम लगेगा लेकिन हम ज़रूर पहुंच जाएंगे उस तक। क्या वजूहत हैं, हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ होने के बाद हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इंडिया के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, हर चीज़ है हमारे पास भी वही चीज़ें जो इंडिया के पास है, हम भी एटमी ताकत है, इंडिया भी एटमी ताकत है, हमारे पास भी एजुकेशन सिस्टम इंडिया के बराबर नहीं है लेकिन है, दुनिया में पाकिस्तानी अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं जिस तरह से इंडियन है, बिल्कुल हैं, तो फिर हम डेवलप क्यों नहीं हो रहे? बस हमारी पॉलिटिकल फ्लक्चुएशंस हैं भाई, पॉलिटिकल इसके ऊपर फैक्ट ही नहीं है ना। अभी देखो इंडिया के जो अमीर तरीन लोग हैं वो इंडिया की इकोनॉमी के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, मैं आपको गिनवा सकता हूँ, टाटा के देख लें, मुकेश अंबानी को देख लें, अदानी को देख लें, आप जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, अगर गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट के कदम टकमगा रहे हो गवर्नमेंट उनका भी सपोर्ट करती है। हमें सीखना चाहिए कि नहीं, हमारे पास एक बंदे के पास अगर कोई 1-2 अरब रुपए मिल गए अगले दिन नैप उनके घर पे पाई जाती है कि भाई ये पैसे आप कहाँ से लेके आए हो। बिलीनियर इंडिया का दूसरा बड़ा आदमी, दूसरा अमीर, वर्ल्ड का दूसरा रिचेस्ट आदमी कौन है पता आपको? जी बिल्कुल। कौन है आइडिया? नाम मुझे पता नहीं है, बट ही इज इंडियन एक्चुअली। इंडियन है वो उनका नाम आपको मैं बता देता हूँ, गौतम अदानी उनका नाम है। गौतम अदानी इतना स्ट्रगल कर रहा है इंडिया, इतना ग्रो कर रहा है, क्या वजह लगती है? मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है, कि वहाँ के जो लोग हैं अपनी गवर्नमेंट पर ट्रस्ट पुट करते हैं, हमारे लोग उस तक पहुंच रहे हैं लेकिन अभी पहुंचे नहीं हैं। एज सून एज पॉसिबल हम अपनी हुकूमत पे ट्रस्ट करना लग जाएंगे तो हम भी तरक्की के राह में आ जाएंगे। जा रहा है। और इंडिया ने चाइना को $10 trillion का लॉस दे दिया स्टॉक मार्केटिंग के ऊपर, क्या समझते हैं आपके कितना बड़ा लॉस है चाइना के लिए और कितनी बड़ी सक्सेस है इंडिया के लिए? मेरे भाई इंडिया अभी और बहुत आगे जाएगा, चाइना के लिए कोई मसला नहीं है, चाइना सर्वाइव कर जाएगा, मसला जो है वो हमारे लिए है पाकिस्तानियों के लिए। इंडिया के हुक्मरान जो हैं वो अपने मुल्क के लिए करते हैं जो करते हैं, चाइना भी सेम टू सेम है, ठीक है। सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के आप किसी भी मुल्क को देख लें, वो इस टाइम हर कंट्री जो है वो तरक्की कर रही है, हमारा पाकिस्तान जो है वो स्टिल माइनस माइनस माइनस, उसकी रीज़न जो हमारे हुक्मरान है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इन सब का हल सिर्फ एक है, जितने हुक्मरान है, जितनी पार्टी